हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी बुकर। आज देखिए, हम मखाने की हलवे की रेसिपी लेके आई हुई हूँ। देखिए, ये छोटा सा कटोरा है। मैंने इस छोटे से कटोरे से दो कटोरा मखाना लिया हुआ है। उसे शुद्ध देसी घी में फ्राई किया है। अब देखिए, ये कुरकुरा हो गया। इस तरह से हमें दाब करके उसे देखना होता है। अब ये हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लें और जार में डाल के पूरे महीन होने तक उसे पीसना है। देखिए, मैंने जार में सारे मखाने को डाला हुआ है और एक बार में नहीं हुआ तो बार बार इसे देख के अच्छे से इसे पाउडर बना लें। देखिए, ये पाउडर बन चुका है हमारा। अब फिर से हमने पैन गर्म कर लिया है। पैन में मैंने शुद्ध देसी घी डाला हुआ है और ये सारे मखाने के पाउडर को इसमें डालेंगे और इसे भूनेंगे। इसे लाइट रेड होने तक भूनना है। जब ये भूना चले जाए तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी का यूज किया हुआ है। बहुत ही धीमी आंच पे इसे पकाना है। देखिए, इसका कलर चेंज हो रहा है। इस हलवे में यूज होने वाली सामग्री कुछ इस प्रकार है। मैंने चीनी का यूज किया है। 5 से 8 टेबल स्पून चीनी है और काजू है और किशमिश है। आप अपने हिसाब से इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो उसे डाल सकते हैं। मैंने बस काजू और किशमिश का यूज किया हुआ है। इसमें मैंने 1/2 ग्लास पानी यूज किया हुआ है। अब देखिए, ये लाइट रेड कलर का हो चुका है। अब इसमें मैंने पानी डाला हुआ है। पानी डालें, चीनी डालें और ड्राई फ्रूट्स डालें। सारे को एक साथ मिलाएं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हलवे को डेकोरेट करने के लिए रहने दें, ताकि हलवा देखने में और भी ज़्यादा लजीज लगे। अब हम इसे मीडियम लो पे पकाएं और पूरी तरह से इसके पानी को खत्म कर दें, ताकि वो पूरा ड्राई हो जाए। देखिए, अब ये हमारा हलवा बनके तैयार है। ड्राई हो चुका है। देखिए, इसके अंदर से ही बाहर आने लगा है। अब देखिए, ये हमारा हलवा बनके तैयार है। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।